Where are you gonna leak it? What's that? What's happening? What are you doing? Is there anything else that you want to do? कल कल देर शाम में पुलिस पुलवामा को गंदरबल को अनवारा को तीनों को मिला था। तीनों जगह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इनफैक्ट हम लोग चार जगह लॉन्च किए थे जिसमें तीन जगह कमरे मिली है। पुलवामा इनकाउंटर में दो टेररिस्ट मारे गए, दोनों जैश मोहम्मद का है, एक पाकिस्तान का खालिद भाई है जिसको जट भी बोलते हैं। 2018 से शोपियन पुलवामा में एक्टिव था। दूसरा याकिब मुश्ताक है, जाहिद वानी टॉप कमांडर मारा गया था, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था और करीमाबाद का है। और करीमाबाद ऐसा विलेज है कि जहाँ जैश का घर होता था, एपी सेंटर। आज की डेट में करीमाबाद में कोई मिलिटेंट नहीं बचा है और जैश का जितने टॉप ब्रास के थे साउथ कश्मीर के सारे मारे गए हैं। ये आखिर था। और दूसरा जो गंदरबल इनकाउंटर चलता वहाँ पर लश्कर तैयबा का एक टूरिस्ट मारा गया। एक और होस्टल कॉर्डन अंदर भी हो भी सर्च चल रही है। हनवारा में भी एक लश्कर तैयबा का टूरिस्ट मारा गया। उसके अलावा पुलवामा में हम लोग एक रोफ अहमद मीर को अरेस्ट किए थे लाइव इनकाउंटर में और उसके पास से एक पिस्टल मिला है और उसका भी इंट्रोगेशन भी चल रहा है। देखिए हम सब जानते हैं कि पंचे सरपंचे जो है ये सॉफ्ट टारगेट होता है। इसमें 90% लोग के पास कोई पीएसओ नहीं होता है। जिसको थ्रेट है उसको हम लोग श्रीनगर में कमरा दिए हैं सिक्योर एरिया में और कुछ को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिला है। कल जो शहीद हुए हैं उनको श्रीनगर में होटल था, बिना पुलिस को बताए चले गए। हम लोग का अफसोस है। आज मैं खुद कुलगांव गया था, वहाँ पर सारे ऑफिसर को बुला के मीटिंग लिए, अपना जो क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए, डू डोंट करना चाहिए, फिर से उसको कर रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, सरपंच हो, पंचज हो, चाहे जितने भी डीडीसी मेंबर हो, बीडीसी के चेयरमैन हो, जितने पी आर आई हो, डी पी हो, सेफ इन्वायरमेंट पर ही लोग अपना काम करें। सर ये बताइए, पास्ट दो तीन दिन से हम एक तरह से इंग्लिशमेंट पैटर्न देख रहे हैं। जैसे आज जो गनफाइट हुई थी वो मदरसे में हुई थी क्योंकि वो अनऑक्युपाइड था, उससे पहले मस्जिद में था, ये जितने भी टेररिस्ट हैं चाहे हजरतबाग लाइन में हो, चाहे आज आज के इनकाउंटर हो, हर एक इनकाउंटर में एक एक पाकिस्तानी टेररिस्ट होता है, कहीं दो होता है, कहीं एक होता है। पाकिस्तान से इन लोगों का इंस्ट्रक्शन है आप धार्मिक जगह पर जाकर अटैक करें, धार्मिक स्थानों को कुछ नुकसान पहुंचे, लोगों में आक्रोश हो, लॉर्ड एंड क्रिएट हो, ये लॉर्ड एंड स्टेट को ख़राब करना चाहता है पाकिस्तान। उसके इशारे पर मिलिटेंट ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग पूरा संयम बरत रहे, पूरा प्रिवेंटिव मेजर लेके, शहन कोई हो या मस्जिद हो उसको पूरा कोई लॉस नहीं हो बचाते हुए, कोलेटर कहीं डैमेज नहीं हो उसको बचाते हुए हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।